तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेकमैट्रिक्स में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर हमारा पीसी वाईफाई से कनेक्टेड है, वो भी वायरलेसली तरीके से, तो उसका पासवर्ड कैसे देखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका पीसी लैन केबल की मदद से कनेक्टेड है, तो उसका पासवर्ड कैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने टास्क बार में इंटरनेट कनेक्शन के आइकन को क्लिक करना होगा, फिर वहाँ से ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों, वहां से जाकर आपको लोकल एरिया कनेक्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर वहां से आपको डिटेल्स पर चले जाना है। तो दोस्तों, डिटेल्स में आपको दिखेगा एक IPv4 डिफॉल्ट गेटवे। तो दोस्तों, इसको आपको याद रख लेना है। और आप इसको याद रखने के बाद आपको अपने किसी भी ब्राउजर, चाहे वो क्रोम हो या फिर आपका ओपेरा मिनी हो, उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, तो दोस्तों जो अभी हमने IPv4 गेटवे एड्रेस को देखा था, उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा 192.168.0.1 था, तो दोस्तों इसको टाइप करके आपको एंटर कर देना है। तो दोस्तों, एंटर करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जैसा कि हमारे सामने। तो दोस्तों, इसमें आपको यूजर नेम में एडमिन डालना होगा और पासवर्ड भी आपको एडमिन ही रखना होगा। तो दोस्तों, ये शुरू से डिफॉल्ट आता है, तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, एडमिन डालने के बाद आपको साइन इन कर देना होगा। तो उसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको लेफ्ट साइड में एक वायरलेस का ऑप्शन दिखेगा, जहां से आपको वायरलेस पर चले जाना है और वहां से वायरलेस सिक्योरिटी पर चले जाना है। दोस्तों, वहां से आप देखेंगे कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो सबसे नीचे आपको PSK पासवर्ड दिखेगा, जो कि आपका वायरलेस वाईफाई का पासवर्ड है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें अपना वायरलेस वाईफाई का पासवर्ड मिल चुका है। तो दोस्तों, यहां से आप बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं अपने वाईफाई में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सिक्योरिटी का, कौन सी सिक्योरिटी लगी हुई है, इसमें WPA2 सिक्योरिटी लगी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।